हेलो एंड वेलकम टू एसडीसीएम। मैं अभिषेक सोनी प्रेजेंट कर रहा हूँ बीकॉम फर्स्ट ईयर। स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम। जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, निम्न से माध्यिका Q1, Q3, D4 एवं P90 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। Q1 की वैल्यू निकालनी है, मीडियन निकालना है इससे, Q3 की वैल्यू निकालनी है और D4 और P90, इतनी वैल्यूज हमें निकालनी है। तो ये खंडित श्रेणी दी हुई है और इसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं Q1 Q3, ये तो हम बेसिकली पढ़ ही चुके हैं। और फॉर्मूलाज D4 और P90 के बारे में, ये इसके बारे में भी हम काफी ज्यादा डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये मैं आपको एक बार फिर से फॉर्मूला रिवाइज करवा दूं। ये देखिए Q1 Q3 ये व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज जिसको हम बोलते हैं, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी, इन सब के लिए यहाँ पे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। तो कैसे हम सिंपली वे में इनको लर्न कर सकते हैं फॉर्मूलाज को, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, हम याद कर सकते हैं इन फॉर्मूलाज को। तो ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, इनको आप ठीक से लर्न कर लें और बेसिकली कुछ भी याद करने की उतनी ज्यादा जरूरत है नहीं, इसको हम समझ चुके हैं काफी अच्छे से, हम फॉर्मूलाज बना सकते हैं। Q1 के लिए देखिए, खंडित श्रेणी में साइज ऑफ एन बाई फोर्थ आइटम, ये सतत श्रेणी के लिए दिया गया है, और इंडिविजुअल और ये डिस्क्रीट, खंडित और व्यक्तिगत श्रेणी के लिए ये देखिए ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला दिया हुआ है हमें साइज ऑफ एन प्लस वन बाई फोर्थ आइटम। तो इसमें हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जो कि खंडित श्रेणी के लिए दिए हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये देखिए D4 के लिए हम यहाँ से D1, D3, D90 ये D वाले फॉर्मूलाज यहाँ पे हमें दिए हुए हैं, तो इनको हम बेसिकली यूज करने वाले हैं। और P जिसको हम सतमक बोलते हैं और D को दशमक। तो ये चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमें। तो ये देखिए ये दिया हुआ है क्वेश्चन जिसमें अर्निंग दी हुई है हमें और एम्प्लॉयज दिए हुए हैं। तो अर्निंग को यहाँ पे हम एक्स मान लेंगे और एम्प्लॉयज को हमारी ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एफ। तो देखिए यहाँ से हमने सबसे पहले हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक की टेबल बनानी है। तो बेसिकली सबसे पहला काम हमारा यही होता है जिसको हमने रेडी करके रखा है। ये देखिए एक्स की वैल्यूज एफ और यहाँ पे हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के रखी है। ये देखिए एक्स की वैल्यूज दी हुई है यहाँ से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये एक्स की वैल्यूज दी हुई है हमें सारी। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी हुई है 3, 6, 10, 15, 24, 42, ये यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेसिकली, देखिए समझ लेते हैं एक बार फिर से। ये जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है 3, इसको हमने एज इट इज लिखा, फिर इस 3 को ऐड किया इसके जस्ट नीचे वाली फ्रीक्वेंसी में, तो 3 में 6 ऐड किया हुआ 9, ऐसे ही 9 में 10 ऐड किया 19, 19 में 15 ऐड किया 34, 34 में 24 ऐड किया 58, 58 में 42 ऐड किया, तो ये हुआ 100। तो यहाँ से हम ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख देते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, और उसमें जस्ट उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करते जाते हैं। तो इस तरह से रेडी हो जाती है हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो टेबल है वो इस तरह से रेडी हो जाती है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल के रखी है और यहाँ पे हमारी जो n की वैल्यू आई हुई है हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से, जो n की वैल्यू मिली है वो 501 यानी कि 501 आई हुई है यहाँ पे n की वैल्यू। तो ये देखिए बेसिकली n की वैल्यू अगर 501 मिली है हमें, तो ये ओड नंबर है, 501 ओड नंबर है। तो इससे पहले हमें मीडियन निकालना है। मीडियन कैसे निकालेंगे इसके लिए, ये देखिए मीडियन अगर हम निकालेंगे, तो अगर हम बेसिकली ओड नंबर की बात कर रहे हैं, तो देखिए ओड नंबर के लिए होता है फॉर्मूला n प्लस 1 बाई 2,
एन प्लस 1/2 वफ़त, ये होता है ओड नंबर के लिए बेसिकली। तो यहाँ से एन प्लस 1/4 जो हमारा आइटम होगा या टर्म होगी, एन प्लस 1/4 टर्म, तो वो हो जाएगी हमारी मीडियन की वैल्यू। तो ये देखिए एन की जगह हमने पुट किया 501/2, तो ये 501/2, तो ये हो जाएगा 502। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो मीडियन यहाँ से निकल के आ जाएगी 502/2। तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 2 5 एंड 1। तो 251 वफ़त जो होगा हमारा वो हमारी मीडियन होगी। तो इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम चेक करेंगे अब 251 वफ़त हमें कहाँ मिलने वाला है, 251 वफ़त। तो ये देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 175 के बाद 265 इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आएगा हमारा 251 वफ़त। और इसके जस्ट सामने एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, ये देखिए यहाँ से इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये हमारा आया 251 वफ़त, ये होगी हमारी मीडियन। और यहाँ से देखिए ये 265 तक, यहाँ से यहाँ तक ये देखिए 251 वफ़त आएगा हमारा 16 के अंदर, एक्स की वैल्यू 16 दी हुई है, तो यहाँ पे हमारी मीडियन हो जाएगी 16। तो मीडियन का जो आंसर निकल के आएगा यहाँ से हमारा, तो मीडियन हो जाएगी हमारी यहाँ पे 16। तो फर्स्ट वाला आंसर यहाँ से निकल के आता है 16, तो मीडियन 16 होगी इस डेटा से, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला आंसर। अब सेकेंड में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमसे Q1 की वैल्यू पूछी गई है और Q3 की वैल्यू भी पूछी गई है। तो चलिए देखते हैं हम Q1 कैसे निकालेंगे इसी से। ये देखिए हम Q1 कैसे निकालेंगे इससे, Q1 के लिए फॉर्मूला होता है, हम पढ़ चुके हैं Q1 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फिर से मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज करवा दूं। ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है Q1 के लिए, खंडित श्रेणी और इंडक्शन श्रेणी, ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, n+1/4 आइटम। तो यहाँ से n+1/4 आइटम ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो ये देखिए n+1/4 आइटम। तो n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 501 दी हुई है हमें, 501+1/4, तो ये हो जाएगा 502/4। तो 502/4, तो Q1 = हो जाएगा 502/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 125.5, ये हो जाएगा 125.5 वा पद। तो 125.5 वापस हो जाएगा हमारा Q1 की वैल्यू। तो चलिए देखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 125.5 कहाँ आएगा, देखिए 100 को क्रॉस कर जाएगा, ये 175 के अंदर आ जाएगा, और इसके जस्ट सामने एक वैल्यू दी हुई है एक्स की 15, तो हमारी जो Q1 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 15। देखिए Q1 की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 15, तो जो Q1 की वैल्यू होगी वो हमारी 15 होगी, और मीडियन निकाल चुके हैं हम, मीडियन यहाँ पे होगी हमारी 16। तो ये दो आंसर हमें मिल गए, Q1 की वैल्यू 16, मीडियन सॉरी Q1 की वैल्यू 15, मीडियन 16, तो ये दो आंसर हमें मिल चुके हैं। अब नेक्स्ट हमें निकालना है Q3 की वैल्यू, तो Q3 के लिए फॉर्मूला देखते हैं। देखिए यहाँ पे Q3 के लिए फॉर्मूला क्या दिया हुआ है हमें, Q3 के लिए साइज ऑफ n+1 × 3/4 आइटम। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, n+1 × 3/4। तो देखिए n+1 की हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, n+1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। अभी हम n+1 की वैल्यू निकाल चुके हैं, n+1 आया था हमारा यहाँ पे
125.5, एन प्लस 1/4 ये आया था 125.5, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने एन प्लस 1/4 की, तो 125.5 × 3 ये हो जाएगा। तो ये यहाँ से निकल के आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 125.5 × 3 तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 15 का 5 कैरी 1 पॉइंट लगाया, 3 5 जा 15 और 1 16, 1 3 2 जा 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 376.5। तो टर्म तो ये हो जाएगा 376.5 वापत। तो 376.5 वापत कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में कहाँ आएगा देखते हैं। देखिए 376.5, तो ये देखिए 344 को क्रॉस कर जाएगा और 399 वाले इसमें आएगा, और इसके जस्ट सामने एक्स की वैल्यू दी हुई है 18। तो जो हमारी Q3 की वैल्यू हो जाएगी, Q3 = 18 निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी Q3 की वैल्यू। ऐसे ही अब हमसे पूछा गया है D4 की वैल्यू पूछी गई है, तो D4 का मतलब होता है 10 मार्क, और इसके लिए भी फॉर्मूला हम देख लेते हैं। D4 देखिए, D के लिए n+1/10 और D1 के लिए, और D3 के लिए n+1/10 में 3 का मल्टीप्लाई किया, और D4 के लिए ऐसे ही n+1/4 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, D4 की वैल्यू D4 = हो जाएगा हमारा n+1/10 × 4, n+1/10 × 4। तो देखिए n+1/4, n+1 तो n की वैल्यू 501 है, एक ऐड किया तो ये हो गया 502 अपॉन 10 × 4। तो ये 2 से कैंसिल किया, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10। तो ये हो जाएगा यहां से 1004 अपॉन 5। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा यहां से निकल के आ जाएगा 5 2 जा 10, ये हुआ 0 0, 200.8 कुछ इतना निकल के आ जाएगा, 200.8। तो 200.8 वापद ये हो जाएगी हमारी D4 की वैल्यू। तो देखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 200.8 कहाँ पे आएगा, ये देखिए 200.8। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, 175 को क्रॉस कर जाएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 265 के अंडर आएगा 200.8। तो यहाँ से हमारी D4 की वैल्यू जो होगी, तो D4 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 16, क्योंकि इसके जस्ट सामने x की वैल्यू 16 दी हुई है, तो D4 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 16। तो अब हमें लास्ट वैल्यू निकालनी है जो कि दी हुई है, हमसे पूछा गया है P90। तो P का मतलब होता है सतमक, बेसिकली हमें पता है सतमक निकालना है हमें। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। P के लिए ये देखिए, P1 के लिए फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, बेसिकली मैं इसको दिखा दूं आप लोगों को। तो P1 = साइज ऑफ ये खंड श्रेणी के लिए n+1/100th टर्म ये दिया हुआ है। तो P1 के लिए ये दिया हुआ है n+1/100। तो P4 के लिए P90 निकालना है हमें, तो P90 के लिए 90 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो P90 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से देखिए P90 = हो जाएगा n+1/100 × इसमें 90 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये निकल के आ जाएगा इतना। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, तो ये देखिए ये हो जाएगा P90 की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से, n+1 की वैल्यू पुट करेंगे 502, तो ये हो जाएगा 502 अपॉन 100 × 90। तो ये देखिए 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल किया,
और इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो निकल के आ जाएगा 451.8 समथिंग, कुछ इतना आएगा वापद। तो 451.8 वा पद जो होगा वो हमारी होगी P90 की वैल्यू। तो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में देखते हैं 451.8 कहाँ आएगा। ये देखिए 435 क्रॉस हो जाएगा, ये 461 के अंदर में आएगा 451.8, और इसके सामने जो एक्स की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 20। तो ये हमारी यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी P90 की, तो P90 की वैल्यू हो जाएगी 20। तो ये हो जाएंगे हमारे आंसर। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।